The big story this morning comes from Uttar Pradesh, where the BJP appears to have grossly miscalculated its strategy. Out of the 11 seats which were earlier held by the BJP and its ally, the Apna Dal, the BJP is now trailing to the Samajwadi Party in 8 of those seats. The Samajwadi Party chief, who saw this as a battle of prestige, is leading in a majority of the seats where elections were held. I want to go across to senior Samajwadi Party leader Naresh Agarwal, who campaigned extensively in this belt where assembly by polls have been held. He's joining us now on this broadcast. Agarwal ji, hamari taraf se pehle to mubarakbad. 8 seats Samajwadi Party's by poll mein jeeti. Ek ke baad ek buri khabre aa rahi thi. Aapko ab aakhirkar thodi rahat ki saans lene ka mauka mila hai. Nahi, dekhi, rahat ki saans ki baat to nahi hai, lekin is desh se jo ho raha tha usse desh ko rahat mili. और सांप्रदायिकता के माध्यम से जितना देश को खड़े करने की बात हो रही थी उसको देश ने नकार दिया है, ये इस बात का संकेत किया है। और उत्तर प्रदेश से इस बात का संकेत जितना हो कि मतलब पूरे देश को संकेत मिलना। पर क्या आपको लगता है कि बीएसपी के अब्स्टेन करने से आपको बहुत फायदा मिला? मई में हमने देखा कि जो ऑपोजिशन वोट था वो स्प्लिट हो गया, मुसलमानों में भी दरार आई, कुछ वोट बीएसपी ने लिए, कुछ आपकी पार्टी ने लिए, कुछ कांग्रेस ने लिए। अब की बार चूंकि बीएसपी नहीं थी दौड़ में, इससे आपको बहुत फायदा मिला? नहीं, देखिये, बीएसपी ने तो बीजेपी से अंदरूनी समझौता कर रखा था, लेकिन मैं उनके वोटरों को बधाई दूंगा, उन्होंने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सांप्रदायिकता को नकारा और धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़े हुए, तो मैं उसके लिए बधाई दूं। लेकिन बीजेपी की, बीएसपी की रणनीति बीजेपी के साथ थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। नहीं, पर कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि जनता ने आपके शासन को एंडोर्स किया? क्योंकि यहाँ पर चुनावी गणित हम ज्यादा काम करता देख रहे हैं, बजाय इसके कि लोगों को लगे कि सपा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो 3 महीने पहले जो सफलता बीजेपी को मिली थी उसकी असफलता को जनता ने दिखाया। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो एक प्रचार हो रहा था पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित था, जिसमें कहीं ना कहीं आप लोग भी भाग ले रहे थे, तो उसको भी जनता ने कहा कि नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है और सरकार की उपलब्धि भी काम है इसमें। नरेश अग्रवाल जी, कहीं ना कहीं क्या आप इस चुनाव का मैसेज गलत मैसेज उठा रहे हैं? इस चुनाव में बीएसपी नहीं थी रेस में, यानी एक तरह से एक ध्रुवीकरण हुआ, मुस्लिम वोट एक तरफ आपकी तरफ आया, और क्योंकि पोलिंग परसेंटेज कम हुई, 50 से कम परसेंटेज हुई, मुस्लिम वोटर ने जम के आपको वोट दिया और दूसरी तरफ उतना वोट पड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है यही स्थिति रहेगी 2017 में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको गलत संदेश मिल रहा है। देखिए, पहले आप इसको ठीक कर लीजिए, समाजवादी पार्टी किसी एक जात की पार्टी नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन क्या हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं? ये कैसे सोच लिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के दम पे खड़ी हुई है? मुसलमान हमारा पार्ट है, लेकिन हिंदू भी हमारा पार्ट है, सभी संप्रदाय, सभी धर्म और सभी जातियां जो समाजवादी पार्टी के साथ है, इस पर समाजवादी पार्टी जी, आप ये जो मीडिया अग्रवाल जी, मेरी बात सुनिए, आप मई के चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हारे थे, तब चौतरफा चुनाव था, एक तरह से फोर कॉर्नर था, देयर वाज बीजेपी, देयर वाज कांग्रेस, देयर वाज बीएसपी एंड एसपी, चौतरफा चुनाव था, इसमें आप हार गए। अब इस बार कांग्रेस कमजोर हुई, बीएसपी लड़ी नहीं, उस ध्रुवीकरण में आप जीत गए इस बार, तो क्या आपको लगता है वाकई इस चुनाव से लोगों को लगता है कि आपने अच्छी सरकार दी है? देखिए, आपने अच्छी सरकार दी है या आप मानते हैं कि आपकी सरकार में बड़े कमजोरियां हैं अभी भी? देखिए, एक बात बताएं, जैसे शिक्षा चाहे जितनी लोग कभी पूरी नहीं होती है, वैसे सरकार चाहे जितना काम करे जनता का कभी पूरा मन नहीं भर सकता है, ये बात सही है। लेकिन बीएसपी को तो पिछले जनरल इलेक्शन में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, तो बीएसपी का वो प्रश्न कहाँ पड़ता था कि बीएसपी नहीं लड़ी इस मारे हम जीते हैं? उसको तो जनता पहले ही नकार चुकी थी, जीरो पे भेज दिया था। अग्रवाल जी, लगता है कि आपको लगता है आप ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि अभी भी जो हवा है वो कोई समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं है। एक बाय इलेक्शन के जीत के बाद आप ये नहीं मान सकते कि पूरी तरह से अखिलेश यादव की सरकार के लिए समर्थन हो रहा है। मुझे लगता है अभी भी मीडिया पर से नरेंद्र मोदी जी का भूत उतरा नहीं है,
शायद दो बार दो चुनाव हो चुके हैं इसके पहले, उत्तरांचल वगैरह में हुआ तब बीजेपी हारी, दूसरा ये फिर हुआ फिर बीजेपी हारी, और तीसरा और होने दीजिए, अभी धीरे धीरे आप लोग तो खुद ही अपने आप कहने लगेंगे। नरेश अग्रवाल जी बने रहिए आप हमारे साथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रमुख लक्ष्मीकांत बाजपेयी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बाजपेयी जी, 11 ऐसी सीटें जिस पर एनडीए का वर्चस्व था पिछले इलेक्शंस में, अब हम देख रहे हैं उनमें से 8 सपा आपसे निकाल के ले गई, बहुत बड़ी शिकस्त है ये आपकी पार्टी के लिए और आपकी लीडरशिप में हुआ है सर। निश्चित तौर पर जो जनादेश है वो हमारे लिए विचारणीय है, लेकिन जनादेश है इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। अपनी कार्य पद्धति की और सबकी समीक्षा करने के बाद हम आप लोगों के माध्यम से जनता में अपनी क्या गलती रह गई उसको भी रखेंगे और अपनी उन गलतियों को ठीक करके भविष्य के चुनाव के लिए अपने को खड़ा करेंगे। उपचुनाव को और उपचुनाव के परिणामों को किसी आम चुनाव चाहे पहले हुआ हो या बाद में आगे संभावित हो उससे जोड़कर देखा जाना अभी उचित नहीं होगा। वाजपेयी जी आपका खुद का क्या एनालिसिस है, आप तो खुद मैदान पे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, 8 सीटों में आप पिछड़ गए, क्या हुआ आपके साथ? हाँ बिल्कुल पिछड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा जो व्यक्तिगत आंकड़े पार्टी का था उससे भी पिछड़े हैं और इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज हमको नहीं है और इसको हम विचार करते हैं इसमें हम आगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो लव जिहाद का आपने तमाशा खड़ा किया, लोगों को बताया कि इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी लव जिहाद है, वो महंगी पड़ी आपको? ये तो बाद में तय होगा, फिलहाल कोई प्रतिक्रिया स्पेसिफिक देना उचित नहीं, परिणाम पर समीक्षा, समीक्षा के बाद एक साथ आप लोगों से बात करना और अपनी कमी बेसी को स्वीकार करना ये उचित पद्धति है। मैं उसको वाजपेयी जी बने रहिए हमारे साथ, जावेद अंसारी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। वाजपेयी जी क्या जो योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और जो एक विवादित बयान आपने दिया, क्या उसी ढांचे पे आप चलेंगे या आप लोग उसको कुछ रिप्राइज करेंगे? मैंने कहा ना, विचार करेंगे चुनाव के परिणाम को जनादेश के रूप में स्वीकार करते हुए आशा के विपरीत परिणाम उसकी समीक्षा करेंगे और जो फिर समीक्षा का निर्णय निकल कर आएगा। वाजपेयी जी आपको पूरा अधिकार है समीक्षा करने का, आप आत्मचिंतन करेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप इतना तो मानते हैं कि ये आपके लिए झटका है, क्या ये तो मानते हैं आप? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को इस परिणाम से चिंतन करना और चिंता होना नहीं, झटका है या नहीं आप है? मानते हैं कि आपके लिए सेटबैक है कि नहीं? जिस तरह की राजनीति आपने इलेक्शन में की थी, ये आपके लिए झटका है या नहीं? पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में है, इसलिए चुनाव के परिणामों से सबक लेकर आगे बढ़ना उचित कार्य पद्धति है, भाजपा उससे बढ़ेगी। तो क्या आप ये सबक लेंगे? आपने एक विवादित बयान दिया था कि एक वर्ग विशेष के 90% बलात्कारी जो है एक वर्ग विशेष के हैं, क्या अब आपको आप उस पर पुनर्विचार करेंगे, ऐसे बयान से प्रेस करेंगे? मेरा भी आप करेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अभी पार्टी सामूहिक समीक्षा करेगी और समीक्षा के परिणाम के अनुसार अपने में भी सुधार करेगी और उस जानकारी को जनता के लिए भी रखेगी। पर सर आपने कहीं ना कहीं शिफ्ट किया फोकस, डेवलपमेंट से आप लोग आ गए कम्युनल पॉलिटिक्स पर, ऐसा मुद्दा जिस पर आपने आम चुनाव नहीं लड़ा, जनरल इलेक्शन आपने उस मुद्दे पर नहीं लड़े, आपको लगता है ये महंगा पड़ा आपके लिए? मैंने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय करना या स्पेसिफिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं, परिणाम चिंता का विषय है, पार्टी विचार करेगी। Over there, लक्ष्मीकांत बाजपेयी, स्टेट बीजेपी चीफ, क्लियरली रैटल्ड अंडर प्रेशर एंड सर्चिंग फॉर आंसर्स, एंड व्हेन ही सर्चेस व्हाट माइट ही फाइंड, राजदीप, व्हाई इज द बीजेपी डन सो पुअरली? लुक, आई थिंक द फैक्ट इज फॉर सम स्ट्रेंज रीजन द बीजेपी मूव्ड अवे फ्रॉम अ सक्सेसफुल फॉर्मूला, दे हैड अ वेरी सक्सेसफुल फॉर्मूला इन द लोकसभा इलेक्शन, दे प्रोजेक्टेड नरेंद्र मोदी, दे प्रोजेक्टेड द आइडिया ऑफ बीइंग अ पार्टी दैट स्टूड फॉर गुड गवर्नेंस, दे केप्ट अवे ऑल द कंटेंशियस डिविजिव इश्यूज आउट ऑफ द एजेंडा, यस देयर यू नो देव बीन अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग द मुजफ्फरनगर रायट्स टू देयर पॉलिटिकल एडवांटेज, बट लेट्स बी फेयर टू द पार्टी, एनी पार्टी परहैप्स इन that position would have tried to exploit the polarization on the ground. Here they tried to introduce extraneous issues like love jihad. They tried to introduce a polarizing figure like Yogi Adityanath. And my sense is, Rahul, I could be wrong, and maybe Ashok can correct me, is that once the voting percentage goes around 50%, then if you have a strong polarization that seems to have taken place on the ground,
then the BJP is at a disadvantage. The fact that the BSP was not there, the fact that there was a Muslim polarization around the Samajwadi Party, not a split in the vote of the Muslims, all this has come to the advantage of the Samajwadi Party. And therefore, there is a lesson for the BJP. The BJP has to learn that the politics that got it where it, you know, the advantage in the 2014 general elections was the politics of good governance, was the ability of Narendra Modi also to try and project himself as a more inclusive politician. If you are going to practice divisive politics, it has its limits and it is subject to the law of diminishing returns. But you know, that's my sense, that in a by-election, once voting percentage goes down, then you can't play divisive politics. That is a dangerous game. See, Rahul, there's divisive politics in India. All political parties have learned the lesson. Take Rohingya, which is in Varanasi. It's a Kurmi-dominated constituency. And Apna Dal, the leader was Sonpal, something whose wife is fighting. Surprisingly, all the three candidates are Patels. So if you are playing one communal card, the other parties can also play it in a different way. So communal politics, I think, cannot be a winning strategy all the time. It has to be changed. There has to be a broader mass-based appeal of the party, and development agenda is a winning agenda. And I think Rahul, the BJP has to find who is going to be its face for Uttar Pradesh. That's the biggest problem. Lakshmikant Bajpai cannot be the face of the BJP. Nor can Yogi Adityanath. And I think this is another issue. Yes, if you've got a government like in Uttar Pradesh, which is seen as non-performing, or like in Maharashtra, which is non-performing, you may win an election because out of anger against the ruling government. That's a negative vote. That's a negative vote. But I think Narendra Modi didn't win the last election just on a negative vote. There was a positive vote also that he got. So you are going to need to find candidates who you can project. I think that's one. The only good news today for the BJP, frankly, has come from Bengal. And that is also a warning signal somewhere from Mamata. Who is the Prabhari for West Bengal for the BJP is joining us on this broadcast. Siddharth, we've seen in Bashirhat the BJP doing well. In Chaurangi, the Trinamool has won. This possibly is the only glimmer of hope, the only piece of good news for the BJP, which has really been badly impacted in Uttar Pradesh and in Rajasthan especially. Well, Rahul, thank you for congratulating. I think you did congratulate me and my state unit for West Bengal. It's a very good victory. It gives us a hope that in 2016 we will have a fair chance to fight well, and maybe if things all go well and we work hard on the ground, we may be the real alternate of the Parivartan. But again, you know, Rahul, I have worked very closely in UP as well as in I may say in West Bengal and Gujarat. These by-elections are always important. Any election should be considered by any political party to be an important, and we all must work towards victory. But does it give a full picture? I would say no. Does it give a half picture? I would again say no, because people, our adversary will, in their own right, would like to paint that there was a Modi wave, the Modi wave has gone away. No, what that do you think explains the big reverse for the BJP in Uttar Pradesh? Answer just well, that one question. What's your analysis? You come from Uttar Pradesh. Yeah, sure. You see, in Uttar Pradesh, in my opinion, there is nothing but three factors. I don't know which of them has worked. One is certainly on the organizational skill at the ground level. It is also on the local issues. And the third is maybe we have not been able to give the candidates who were better than the our opposition. Now, just to allow me to little extend this argument which I am giving, these are the same boys, the same MLAs who fought the MP and won in 2014. But these were the same MLAs who fought against the Samajwadi wave in 2012. That means they were on their own more or less standing and winning the assembly elections. Now, they are in the Lok Sabha, we bring in the new faces to contest that election. It has to be again the local issues and the candidates. No, but you're discounting Siddharth, the poll campaign. Yes, Javed has a question for you. Siddharth, I think you've discounted or you've forgotten to mention the most important factor, which is perhaps that your message was wrong. You had a template on development, you won such a handsome victory. You jettisoned that, I don't know on whose advice, and you went in for this divisive campaign of love jihad, of conversions, of branding one community as rapist, and that's come to, you know, that just exploded in your face. No, I don't,
Javed, I will not extend your explanation that this is the reason for BJP's loss. So you believe that was right? You believe that what Yogi Adityanath and others were espousing was correct, and that you should go forward with that, is it? I am no one to declare things on your channel. That will be debated, understood a bit later. But all I can say is, you can give any names. The name didn't come from Uttar Pradesh or by BJP, certainly not. It started all from Kerala, and this was the name given there. Whether I subscribe or not subscribe to this kind of name giving, perhaps with my a person like me, I will not like to use that word. But to deny that these religious conversions are not happening in India, which is unconstitutional, I would say yes, they are happening. All governments need to ensure that forceful religious conversion should not happen, and that is a crime which needs to be stopped. And therefore, raising that issue politically is also a correct step. Communications can be a timing could be wrong, which we'll understand. Siddharth Singh, Rajdeep here, are you suggesting that having Adityanath as your star campaigner was the right step? What is the message? Let's be clear. Let's not get into the was the message that the voter there were, what was the message you were sending to the voter of UP when you projected Adityanath as your star campaigner? Rajdeep, in 2014, before 16th of May, with you and Rahul and others, we have debated number of times, and you all criticized that whether Amit Shah was the right choice for Uttar Pradesh to be a prabhari or not. Now, after winning 73 seats, he becomes the most popular, and you all accepted it. That yes, we're wrong. So how can I say this is a bad choice of a prabhari or the face? Because there were three people along with Adityanath ji who were made in charge for the campaign of these by-elections. So why single out Yogi Adityanath? Let's be honest, Siddharth Nath Singh, none of us were born yesterday. The fact is that Adityanath represents a particular kind of politics. His face represents a particular kind of politics. And therefore, once you bring him into the fray, obviously there's a sense that the BJP is looking to ride two horses. You talk of governance, but you will also project Adityanath. Well, and I haven't heard the Prime Minister of this country even once publicly rebuke either Sakshi Maharaj or an Adityanath. Well, I'm sure if the Prime Minister is watching, he would have heard you. Now it is for him to decide whether he has to comment or he doesn't want to comment on it. So I can't really speak there. But we all have a different identity as politicians. You may brand me into a different form. Yogi Adityanath, he can be branded in a different way. So XYZ in any political party can be branded in there. Sir, I will ask you one last time, which is the more successful formula in your view for UP? The one used by Narendra Modi in the 2014 April-May elections, or the one that you used just now, projecting the likes of Sangeet Som, who's on our screen now, or an Adityanath? Which do you believe is the future of the BJP? Who is the future? Adityanath and Sangeet Som or Narendra Modi? Well, straight answer, sir. Your answer can be long, but it cannot be yes and no for me. The answer is the BJP doesn't promote vote bank and polarizing policy. We have a unwritten understanding or a campaign which has been given by Narendra Modi ji, and we will not deviate in any any elections from now till 2019, and that will be good governance and development. So you're saying that Yogi Adityanath in that sense is acting on his own, that when he speaks of that. When he speaks of love jihad, no. Or Sakshi Maharaj, no. Speaks of madrasas, no. being centers of terror, they are freelance agents. It's your version, certainly not my version. No, but they can't be freelance agents for the simple reason that when the BJP debates communal violence in parliament, at that time Yogi Adityanath is made the lead speaker. The party sends a message when it does something like this, and the people of Uttar Pradesh have decoded it the way they want, sending the BJP to a message in turn.